नमस्कार, राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर की YouTube क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। BA पार्ट सेकंड ईयर की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं रीतिकाल की ओर। प्रथम वर्ष में आपने आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की तीसरी जो कड़ी है वो आती है रीतिकाल। तो रीतिकाल के कवियों का अध्ययन करने से पूर्व रीतिकाल की क्या परिस्थितियाँ थी, नामकरण में किन विद्वानों ने किन कारणों से रीतिकाल को अलग अलग नामों से जोड़ा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पृष्ठभूमि है रीतिकाल की, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। युग विशेष को काव्य प्रवृत्तियों के कारण प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। भक्तिकाल की उन्नत आध्यात्मिक भावधारा के बाद रीतिकाल में जो अतिशय श्रृंगार की धारा निकली वो कहीं ना कहीं युगीन परिस्थितियों की ही देन है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का काल है वो मुगल साम्राज्य के चरम उत्कर्ष और वैभव का काल था। शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष का काल रहा है। जहांगीर ने अपने राज्य में विस्तार किया और शाहजहां ने उसकी समृद्धि उत्तर और दक्षिण भारत में चारों तरफ फैलाई। सन 1643 ईस्वी के आसपास मुगल सम्राट शाहजहां भारत के सिंहासन पर आसीन था और उसने मुगल साम्राज्य की सीमाएं संपूर्ण भारत तक विस्तृत करने के बाद देश में समृद्धि को फैलाने की कोशिश की। इसी काल में ही मयूर सिंहासन और ताजमहल का निर्माण हुआ जो भारतीय ऐश्वर्य और वैभव का परिचायक है। इसके बाद धीरे धीरे जो चरम उन्नति थी वो अवनति की ओर अग्रसर होने लगी। जहांगीर के वैभव विलास और शाहजहां के अपव्यय ने मुगल साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया था। शाहजहां के अंतिम दिनों में उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए हिंसा और कलह उत्पन्न हो गई और दारा शिकोह जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था और वो सिंहासन का अधिकारी था, उसको औरंगजेब ने निर्दयतापूर्वक हटा दिया। और औरंगजेब की कट्टरता के कारण जो हिंदू राजा और जनता थी वो औरंगजेब के विरोध में आ गई। औरंगजेब का शासनकाल है वो धार्मिक उपद्रवों, विद्रोहों और संघर्षों का ही काल रहा है। इस तरह से जो हमारे देश की जनता थी और जो राजस्थान के लोग थे वो औरंगजेब के विरुद्ध हो गए। दुर्गादास और अमर सिंह राठौड़ जैसे वीर कवियों, वीर योद्धाओं ने भी औरंगजेब से लोहा लिया। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिन्होंने रीतिकाल को आगे बढ़ाया। अब हम इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी विचार करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार राजशक्ति के हीन बल, निस्तेज और चरित्रहीन होने की झलक जनता पर भी पड़ती है। राजा सामाजिक व्यवस्था का, या जो सम्राट है वो सामाजिक व्यवस्था का केंद्र था और उसके अधीन जितने मनसबदार या अमीर थे वे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर थे। इसके बाद साधारण कर्मचारियों का वर्ग था जो राजा के छोटे छोटे विभागों में काम करते थे। मध्यम वर्ग अधिकतम उन लोगों का था जो व्यापारी, साहूकार और दुकानदार थे, लेकिन ये लोग आर्थिक दृष्टि से मध्यम वर्ग होते हुए भी शिक्षा और संस्कृति से हीन होते जा रहे थे। नौकरी पेशा से संबद्ध लोगों के अतिरिक्त निम्न वर्ग में बहुत वृहद जो कृषक समुदाय है वो था जो सोना पैदा करके भी मिट्टी पर अपना गुजारा कर रहा था। इस तरह से आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उस समय का जो समाज है वो दो भागों में विभक्त हो गया, एक उत्पादक वर्ग और एक उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग में कृषक और श्रमजीवी वर्ग था। ये लोग अपने खेती, व्यापार आदि कामों में लगे रहते थे, सरकार को कर देते थे और बदले में आंतरिक और बाह्य उपद्रवों से त्राण पाते थे। और उपभोक्ता वर्ग में सम्राट के परिवार, दरबारियों से लेकर उसके नौकरशाह
और दास होते थे। ये वर्ग राज्य की शक्ति था, इसलिए इस वर्ग का जो संपूर्ण प्रभुत्व है वो उत्पादक वर्ग पर बना हुआ था। इसलिए यहाँ दो वर्ग विभक्त हो गए, शोषक और शोषित। श्रमजीवी वर्ग को किसी न किसी रूप में बेगार देनी पड़ती थी, और जो शोषक वर्ग है वो इनके उपजाए हुए सोने पर, इनके उपजाए हुए धन पर वैभव और विलास को भोग रहा था। हिंदुओं की राजनीतिक पराजय ने जो राजनीतिक संगठन था, जो जातीय संगठन था, उसको भी नष्ट कर दिया था। जाति भेद, छुआछूत और कर्मकांड के कारण हिंदू जनता परस्पर संघर्ष कर रही थी। निर्गुण संतों और सूफी फकीरों के प्रभाव से हिंदू मुसलमानों में जो थोड़ा बहुत सौहार्द था वह भी शासकों की कट्टर धार्मिकता से छिन्न भिन्न हो रहा था। इस तरह से उस समय की सामाजिक स्थिति को भी हम अच्छा नहीं कह सकते। आइए अब चलते हैं उस समय की धार्मिक पृष्ठभूमि की ओर। इस युग में संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी पतन था। धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर और रूढ़ियों का बोलबाला था। पंडित और मुल्ला धर्म के ठेकेदार होते जा रहे थे। पंडित लोग अपने आप को सर्वोपरि मानते थे। आचार्यों की गद्दियां स्थापित हो गई थी जहां वैभव का बोलबाला था, और इनका ठाट बाट बड़ा राजसी था। मठ मंदिर देवदासियों के नृत्य से झंकृत थे, और कृष्ण भक्ति संप्रदाय में माधुर्य भाव की ओट में नायिका भेद और परकिया भाव का समर्थन खुले रूप में किया जा रहा था। सूरदास के काव्य में, जब भक्ति काल का जो हम कृष्ण काव्य देखते हैं, उसमें राधा कृष्ण के प्रति जो भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना थी वह रीति काल में स्थूल इंद्रियता और लोलुपता में बदलती जा रही थी। राधा कृष्ण के नाम पर मानसिक काम वासना के प्रदर्शन का यह शिष्ट तरीका था। चारों तरफ रूढ़िवादिता, अशिक्षित जन समुदाय में अंधविश्वास, तीर्थ व्रत, ताबीज, मनोतियाँ, रामलीला मानस पाठ, सूरमीरा के पद, गजल, कव्वालियाँ केवल धर्म प्रदर्शन के अंग बनकर रह गए थे। सार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर आडंबर और रूढ़ियों का बोलबाला हमें इस काल में देखने को मिलता है। अब हम कलात्मक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मध्य काल में राजाओं, नवाबों और जागीरदारों के ऐशो आराम और स्वच्छंद व्यवहार का काल था। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि इस काल में उन्नयन पर थी। मुगल काल में अकबर ने स्थापत्य के क्षेत्र में विराट कल्पनाओं को साकार किया। शाहजहां की इमारतों में कलात्मक सूक्ष्म सौंदर्य और अलंकरण की विशेषताएं दिखाई देती हैं। ताजमहल स्थापत्य और मूर्ति कला का अद्भुत सम्मिश्रण है। औरंगजेब ने अपनी धर्मांधता में हिंदू स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण, जो हमारे भारतीय शैली के मंदिर थे, उनको धराशाही करा दिया। मुगल शैली में भारतीय रंगों की प्रधानता बढ़ती गई। चित्रकला में फारसी और भारतीय शैली के दर्शन हमें मिलते हैं। राजस्थानी और कांगड़ा शैली में कृष्ण और राधा है, उसकी रासलीला के चित्र हमें बहुतायत रूप में देखने को मिलते हैं। संगीत कला भी राज्याश्रय में पनप रही थी। तानसेन और बैजू बावरा की समृद्ध संगीत कला को औरंगजेब की सुन्नी विचारधारा ने आघात पहुंचाया, लेकिन आगे चलकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले ने इस कला को प्रोत्साहित किया। रागनियों का विकास हमें इस काल में देखने को मिलता है। जयपुर और लखनऊ के जितने भी संगीत घराने हैं उन सब का विकास इस काल में हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि कला की दृष्टि से ये काल समृद्धि का काल रहा। अब हम चलते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की ओर। साहित्य और कला की दृष्टि से ये युग समृद्धि का युग कहा जा सकता है। इस काल में कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति थे, किंतु
उनके आश्रयदाता मुगल सम्राट राजाओं व नवाबों के कारण उन्हें समाज में पर्याप्त सम्मान मिलता था। कवियों और कलाकारों को राज्यश्रय के कारण सम्मान और प्रोत्साहन तो मिलता था, लेकिन उनको सृजन के लिए स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचि का ध्यान उनको रखना पड़ता था। और जो चरित्रहीन राजा थे उनकी भी प्रशस्तियाँ इस काल में हमें बहुतायत रूप में देखने को मिलती है। फारसी भाषा क्योंकि राजभाषा थी, इसलिए भारतीय भाषाओं को इसने अछूता नहीं रहने दिया। ब्रज भाषा जो जनजीवन के निकट थी उस पर भी हमें फारसी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। राज्याश्रित जो कवि थे उन्होंने संयोग श्रृंगार की रचनाएं अति रंजनापूर्ण शैली में की और अपने आश्रयदाताओं को चमत्कार प्रदर्शन कर उनकी प्रशंसा कर और उनके मनोरंजन के लिए उन्होंने श्रृंगार और इंद्रियता से पूर्ण काव्य ही अधिक लिखा, जिसके कारण काव्य गोष्ठियों में पुरस्कार और वाहवाही लूटने की होड़ बढ़ती गई। इस युग में जन कवियों और राज्याश्रित कवियों द्वारा रचा काव्य अपने गुण और परिमाण में इतना समृद्ध है कि हिंदी भाषा और साहित्य उस पर गर्व कर सकते हैं। इस काल में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा थी, जिसके कारण इस काल को रीतिकाल नाम दिया गया, वो भी भरपूर मात्रा में हमें देखने को मिलती है। आचार्यत्व और पांडित्य दिखाने वाले कवि भी इस काल में हमें खूब देखने को मिलते हैं। तो ये थी रीतिकाल की परिस्थितियाँ, जिन्होंने रीतिकाल के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला। हम अपने अगले वीडियो में रीतिकाल के नामकरण पर चर्चा करेंगे और फिर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रीतिकाल की प्रवृत्तियों, रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।